सपने हैसियत देखकर नहीं देखे जाते बल्कि हैसियत बनाने के लिए देखे जाते हैं। इस दुनिया में 100% लोगों में से 80% लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं। उनके कोई सपने नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, खुश होते हैं, मस्त होते हैं। बाकी बचे 20% लोग सपना देखते हैं लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि वो देख तो लेते हैं एक बड़ा सपना लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोशिश नहीं कर पाते। थोड़ी बहुत कोशिश करते भी हैं लेकिन थोड़ी कोशिश करने से आज के समय में कुछ नहीं मिलता। सपना देखो उसे पूरा करने के लिए, भूलने के लिए नहीं। अब बचते हैं 10% लोग जो सपने देखते हैं, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक करते हैं और वो सारी चीजें हासिल करते हैं जिसे देखकर बाकी के 90% लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो इसके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर हम में उनका पीछा करने का साहस है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम न करना बहुत ज्यादा बुरी बात है। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें पूरा करते हैं, ठान लेते हैं, जी जान लगा देते हैं, पूरा दम लगा देते हैं। इन लोगों में भी बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सपने देखते हैं ना कोशिश करते हैं और जिंदगी भर असफल रह जाते हैं। अगर आप सपने देखते हो तो उन लोगों से तो बेहतर हो जो सपने ही नहीं देखते, लेकिन उनसे बेहतर बनना जो सपने देखने के बाद उन्हें पूरा भी करते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बड़े बड़े सपने हर कोई सजा लेता है लेकिन कुछ ही होते हैं जो असलियत में उनका मजा लेता है। सपने सजाइए और उन्हें पाइए। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। कुछ लोगों की तो सपने देखते देखते ही जिंदगी गुजर जाती है और उनका कोई सपना पूरा नहीं होता, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपको उनमें से नहीं बनना है तो सपने को अपनी हर सांसों में रखो, अपनी मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी, बस आप अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। जय हिंद, जय भारत।